नमस्कार दोस्तों, मैं ममता वशिष्ठ, राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस से। आज यहाँ पे हम लोग राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की तरफ से अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर पेट्रोल और डीजल में जो वृद्धि हुई है इसके संबंध में धरना प्रदर्शन पर है। और मैं सरकार से, मेरे कुछ सवाल हैं, सरकार को कुछ जवाब देने हैं, जिसका अभी भी जो पेट्रोल डीजल में जो वृद्धि कर रही है सरकार, इस संबंध में अभी तक इनका कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। मेरा सरकार से ये पूछना है कि क्या उन्होंने अर्थशास्त्र की किताब से ये चैप्टर हटा दिया है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमत में वृद्धि होती है तो भारत और उसके आंतरिक जो व्यापार है उन पर इफेक्ट पड़ता है। क्यों अर्थशास्त्री, पेट्रोलियम व तेल मंत्रालय इसका आधिकारिक बयान नहीं दे रहे हैं, क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं कि क्यों बेतहाशा पेट्रोल और डीजल में इतनी वृद्धि ये लोग कर रहे हैं। जब ये मई की बात आप लें कि पाँच मई से 5 जून तक पेट्रोल डीजल में कोई वृद्धि नहीं हुई थी, और उसके बाद 5 जून से आज 22 दिन हो चुके हैं लगातार, कभी 15 पैसे कभी 50 पैसे डेली पेट्रोल डीजल में वृद्धि हो रही है। तो पेट्रोल डीजल में वृद्धि हो रही है, इसका असर किस पर पड़ता है? इसका असर पड़ता है एक आम नागरिक पर, इसका असर पड़ता है जो नॉर्मल अपनी बाइक से, अपनी कार से जाते हैं, अपना व्यापार करते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, इसका असर पड़ता है किसानों पर, इसका असर पड़ता है जो हम मार्केट से सब्जियां लाते हैं उन चीज़ों पर, दवाइयों पर, हर उस रोज़मर्रा की हर उस चीज़ पर इसका इफेक्ट पड़ता है जो कि हम रोज़ अपने दैनिक जीवन में जिन चीज़ों का उपभोग करते हैं।